सर, वहाँ से मतलब स्ट्रगल करके निकल के आई हूँ। अभी फैसिलिटी अच्छी है, अभी मतलब अच्छा प्रोग्रेस कर रही हूँ मैं। आगे अभी एशियन गेम्स की तैयारी कर रही हूँ, और अभी वो भी आया, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स दोनों की तैयारी चल रही है। पहले घर वालों पर थोड़ा बर्डन ज़्यादा रहता था, अभी मैं थोड़ा OGQ से स्पॉन्सर हो गई हूँ तो थोड़ा उन पर बर्डन कम हो गया है। AFI भी हमें अच्छे से सपोर्ट कर रही है तो उन पर थोड़ा प्रेशर कम हो गया है। शोबिस से भी बहुत ज़्यादा है सर, हमें तो अभी आते आते टाइम कम से कम 50 घंटे, घर तक पहुँचने में 50 घंटे लगे मेरी ट्रैवलिंग में। और मैंने क्वालिफाई किया था जिस दिन, मेरे को मतलब मैं ये सोच के गई थी कि हाँ मेरे को इंडिया रिकॉर्ड करना है अपना बेस्ट, मेरे को ये नहीं पता था मैं क्वालिफाई कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, बस मैंने सोचा कि मैं हाँ इंडिया रिकॉर्ड करूँगी। और हाँ उस दिन मैंने इंडिया रिकॉर्ड किया, अच्छे से अपना बेस्ट दिया, मैं उससे खुश थी। हाँ वो कैंप में मेरी कोच थी, उन्होंने मेरे को अच्छा सपोर्ट किया। हाँ मतलब उनके साथ मैंने प्रैक्टिस की है, कैंप में 15 दिन प्रैक्टिस भी की है, उनके साथ काम करके भी अच्छा लगा मुझे। आपके हिसाब से बलवंत सर इसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब हाइट है, और आपके हिसाब से सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका डिसिप्लिन है। कैसे, क्या ग्राउंड पे पवन है, बिल्कुल पंक्चुअल है, टाइम की पंक्चुअल है, प्रैक्टिस का ये है कि प्रैक्टिस मिस नहीं करती कहीं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है ग्राउंड मिस नहीं करती, कुछ भी हो ग्राउंड मिस नहीं करती है, किसी प्रकार का कोई रिलेशन, इसके रिश्तेदारी में कोई ओकेजन हो नहीं, सिर्फ ग्राउंड, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाई जंप पर जाते सर मल्टी इवेंट करते हैं, इंडिया में देखा है हेप्टा करते हैं, नहीं तो लॉन्ग जंप करते हैं, ऐसा कुछ सोच रहे हैं कुछ? ऐसा अभी प्लानिंग है, सोच रहे हैं अभी आगे नेक्स्ट जो नेक्स्ट इवेंट होगा जूनियर्स के अंदर, हम उसके अंदर हेप्टा के अंदर मतलब इसको उतारेंगे। साथ में आइजम तो है ही, बाकी थ्रोइंग इवेंट थोड़ा सा इसका वीक पॉइंट है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं अच्छे से। जेवलिन इसका ठीक ठाक अभी जाना शुरू हो गया, शॉर्ट पुट भी अच्छा कर रही है, 10 मीटर के करीब जा रहा है, तो नो प्रॉब्लम हो जाएगा आराम से वो। मैंने इनके लॉन्ग जंप देखा था, मैंने पूछा तो इंडिविजुअल कोई हाई जंप के अलावा इंडिविजुअल इवेंट देख रहे हैं? नो, हाई जंप के अलावा इंडिविजुअल नहीं है, हाई जंप के अलावा कुछ वो कंबाइंड के बाद डिसाइड करेंगे, उसके बाद कैसा होता है क्या कंबाइंड में कौन सा इवेंट इसका अच्छा जाता है, कब तक कोई इसका लॉन्ग जंप अच्छा निकल जाए लॉन्ग जंप में कर लेगी, हर्डल अगर अच्छा होता है तो हर्डल भी कर सकती है, अदरवाइज अगर कंबाइंड इसका तगड़ा जाता है तो कंबाइंड तो है ही है श्योर हाई जंप के अलावा। अभी के लिए क्या टारगेट रखा है जूनियर्स के लिए? अभी आज से इसका ऑब्सेशन स्टार्ट हो गया, हमने वर्कआउट शुरू कर दिया है, ऑब्सेशन बिल्कुल पूरा लोड में जाएगा बॉडी। अभी जूनियर भी खेलना है तो ऑब्सेशन के अंदर ही खेलेंगे, अगर खेलना है तो वो बाद का अभी डिसाइड नहीं किया उसका, बट अभी नेक्स्ट टारगेट जो है नेक्स्ट ईयर कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स का रखा है। सर टारगेट 2026 एशियन गेम्स टारगेट है, उसी को लेके उसी को सोच के प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। आज से मैंने ऑब्सेशन स्टार्ट कर दिया है, किसी का तो रेस्ट होता है लेकिन आज से मैंने अपना ऑब्सेशन स्टार्ट कर दिया है। रेस्ट सर ये मैंने कंपटीशन ऐसा सोच के नहीं किया कि हाँ अच्छा बड़ा कंपटीशन है, सेशन बस ये एक सेशन था, मैंने ये दिमाग में सोचा कि एक सेशन होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, उसके बाद सेशन में कोई रेस्ट नहीं होता है, अभी ऑब्सेशन स्टार्ट हो गया है आज से। सर प्रैक्टिस में तो नहीं हुआ कभी, प्रैक्टिस ग्राउंड बेस्ट इसका 175 है, ग्राउंड बेस्ट इसका 175 है, कंपटीशन में इसका बेस्ट आता है हमेशा, कंपटीशन में अच्छा करता है। ग्राउंड बेस्ट हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने 100% एफर्ट पे कोई जंप अभी तक किया ही नहीं है, हमें 70-80% पे एफर्ट पे जंप किया है, क्योंकि ग्राउंड पे और कंपटीशन का थोड़ा अलग वो फील होता है, तो अपना कंपटीशन में बेस्ट दे रही है अभी तक। लास्ट क्वेश्चन, आप आपकी एज बहुत कम है, आप सीरियल में मेडल भी ले चुकी है, कहीं जाते कुछ लोग बोलते हैं कि इतनी छोटी में क्या कर रहे हैं, इतना कुछ ऐसा कुछ किस्सा होता है? हाँ सभी को पता है कि मैं हर कंपटीशन में लगभग जितने कंपटीशन जूनियर्स के कंपटीशन में भी गई हूँ तो लगभग मैं सबसे छोटी ही थी एज में, सीनियर्स में तो छोटी हुई तो कहते हैं कि हाँ सबसे छोटी है, अच्छा कर रही है। पापा क्या क्या आपका कहते हैं, पापा आप क्या करते हैं? पापा मजदूरी करते हैं, मम्मी हाउस वाइफ है। पापा शुरुआत से ही खुश थे इसके, पापा को ऐसा कोई बड़ा नहीं था तभी तो इस लेवल तक खड़ी है। पापा को सपोर्ट कर रहे थे आपको, हाँ। आप क्या बोलते हैं कि अब जब जूनियर का रिकॉर्ड आ गया, अब तो एक टाइटल होल्डर है, आप क्या कहते हैं? सर उनका भी अभी थोड़ा ड्रीम चेंज हो गया, अभी वो भी मेरे को ओलंपिक्स में देखना चाहते हैं।
थैंक यू।